हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एलजी का सिंगल डोर फ्रिज जो होता है, जो कि 185 से ऊपर, हम लोग इससे पहले 185 190 देख लिए हैं, 200, ये 205 लीटर का है, जो कि 5 स्टार के साथ आता है। इसको हम लोग आज देखेंगे। देखिए, ये 133 यूनिट पर ईयर आपका बिजली उठाएगा। और इसका मॉडल की बात करें तो D221ABCU इसका मॉडल है, और 205 लीटर का ये फ्रिज है। इस फ्रिज को आज हम लोग देखेंगे तो इस फ्रिज में क्या क्या मिलता है आपको। देखिए, ये आपका कलर हो गया, जो आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे, ये ग्रीन फ्लावर में आपको ये ब्लू रहेगा, तो ये पूरा डिजाइन रहेगा। बाहर से आपको इस तरह का दिखने में लगेगा। नीचे आपको ड्रॉवर रहेगा, सब्जी वगैरह इसमें रख सकते हैं आप, आलू सब या प्याज जो भी आप लाते हैं इसके अंदर आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद ये आपका डोर लॉक हो गया, यहाँ पर आप चाबी से इसको डोर को लॉक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसके अंदर देखिए, ये आपका इसमें दिया गया है फास्ट कूलिंग आइस जलता है आपका, विदाउट स्टेबलाइजर आपका ये वर्क करेगा, 108 मिनट में आपका ये आइस मेक कर देता है, और बहुत ही साइलेंट ऑपरेशन ये आपका काम करता है। उसके बाद देखिए, ये हो गया आपका डोर साइज सेक्शन, जिसमें कि आपको यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। ये ट्रे हो गया, आइस चम्बर दो हो गया, एक नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एग रखने का है अंडा, ये तीन हो गया, यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, और फिर नीचे आपका ये बड़ा बड़ा सेक्शन हो गया दो, ये हो गया और ये हो गया। उसके बाद एक नीचे हो गया आपका छोटा रंग का, इसमें भी आप सामान रख सकते हैं। तो बड़ा बड़ा दो जो है इसमें आप 2 लीटर का भी बोतल रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इस सेक्शन के आगे देखते हैं। तो सबसे ऊपर में आपका हो गया फ्रीजर सेक्शन, जिसमें आपका आइस क्यूब जो जमता है इसमें आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें भी आपको ना 13 कॉइल मिलता है, ऐसे एलजी का हर एक मॉडल में आपको 13 कॉइल रहता है, इसमें भी आप 13 कॉइल गिन सकते हैं, जो कि अदर ब्रांड से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से एयर थ्रो हो जाएगा नीचे, जो पूरा फ्रिज को आपको ठंडा करता है। उसके बाद यहाँ से कंट्रोलर हो गया, यहाँ से आप कम बेस कर सकते हैं अपने सीजन के अनुसार, जैसे गर्म ठंडा हो गया, ये बरसात हो गया, गर्मी हो गया, तो आप जैसा मौसम उस हिसाब से इसको आप कम बेस कर सकते हैं यहाँ से कूलिंग को। उसके बाद ये बर्फ़ गलाने के लिए आप यहाँ से डिफ्रॉस्ट भी कर सकते हैं, सारा बर्फ आपका गल जाएगा। यहाँ पर आप दिया गया है, इसको आप पढ़ के यूज़ कर सकते हैं। ये लाइट हो गया आपका, जहाँ से जलेगा तो आपका फ्रिज का पूरा चीज़ दिखेगा। उसके बाद देखिए, ये टफन ग्लास हो गया, 2 टफन ग्लास रहता है आपका, और नीचे भी इसके ऊपर आप सामान रख सकते हैं। देखिए, ये आपका फ्रूट और ये वेजिटेबल का है, आप जो रखते हैं इसमें उस हिसाब से इसको सेट करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस वेजिटेबल बॉक्स के साइज़ का बात करें तो 205 लीटर में भी काफ़ी बड़ा साइज रहता है। इस लीटर में अगर अदर ब्रांड कंपेयर करेंगे तो उससे ये ज़्यादा आपका बड़ा साइज रहता है आपका। ये एडजस्टेबल रहेगा, इसको आप सेट कर सकते हैं यहाँ से ऊपर नीचे अपना बर्तन के अनुसार। ये लॉक सिस्टम हो गया आपका, शीशा या पहले बाहर निकलेगा नहीं तो ये लॉक हो जाता है, आप जब चाहें उसको खोद निकाल सकते हैं। देखिए, ये जो है ये पानी कलेक्टर है, जो पानी इसमें आपका गिरता है ये इसी से जाके फिर आपका बाहर चला जाता है, तो पानी आपका फ्रिज के अंदर नहीं रहेगा, वो बाहर गिर जाएगा। तो मोटा मोटी लगभग सेम ही रहता है, 185 लीटर 200 लीटर, थोड़ा साइज का अंतर रहता है, बाकी जो फैसिलिटी अंदर का है वो सब सेम रहता है, और बाहर से आपको कुछ इस तरह का दिखने को लगेगा। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे साइट पे जाके 185 लीटर का जो आता है वो देख सकते हैं, 200 में एक डिजिटल डिस्प्ले आता है वो भी देख सकते हैं, और इसको भी आप देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। बेस्ट प्राइस इसका क्या होगा वो आप कमेंट कीजिएगा, आपको कमेंट में बता देंगे हम। मिलती है मेरे वेबसाइट पर, तब तक के लिए धन्यवाद।